एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, या कुछ इन्होंने आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर महसूस करा, तो वो चीज़ें आज यहाँ पर टैरो से देखी जाएंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं। बस साथ में अपने ईस्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव के लिए यहाँ पर रीडिंग होगी, तो हर एक बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जितना आपसे मिलता है आप कनेक्ट कर पाते हैं उतना ही लीजिएगा। बाकी का और लोगों के लिए यहाँ पे आपको छोड़ देना है। एंड दूसरी चीज़, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन आज सारा दिन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। सैडनेस एंड आइसोलेशंस, यूनिवर्स गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की आज दिन भर क्या एनर्जीज रही। थ्रोट चक्रा गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। अवेटिंग रिजल्ट्स, हील गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। हेल्पलेस एंड होपलेस एंड बॉटम की एनर्जी है, लव अबेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रांग में मुझे राशियाँ दिखी वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एक्वेरियस। तो यही मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग में दिखाई दिया है, ठीक है। नंबर आपके लिए यहाँ पर 8 यानी कि अगस्त मंथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। एज एन ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़ गए थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको नंबर्स, मंथ और इवन रीडिंग से भी नहीं करनी है, जितना आपसे रिलेट कर पाए बस आप उतना ही लीजिएगा, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। अब सवाल पर आते हैं, ठीक है, कि आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। देखिए सारा दिन ये पर्सन इस एनर्जी में मेन रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उदास रहे हों, एकदम उम्मीदें इनकी टूट रही हों, हर तरफ से इस पर्सन ने अपने आप को हेल्पलेस पाया हो, एज इन कि कोई भी इनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है इन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, या ये एकदम बंद कर रह गए हैं, एकदम अपने आप में ही रह गए हैं। खुलकर जीने की इच्छा तो है लेकिन और छोर इन्हें नहीं दिख रहा है, या अपनी लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे प्यार से देख नहीं रहा, प्यार से कोई मेरी सर पे हाथ नहीं फेर रहा, या प्यार से कोई मुझे गले नहीं लगा रहा है। तो एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना होना हो लेकिन प्यार की कमी है, और ये पर्सन ये समझ पा रहे थे कि इन्हें ना हील होने की ज़रूरत है बेसिकली। और जब इंसान को हील होने की ज़रूरत होती है ना, तो बेसिकली उसे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्यार, सपोर्ट, कोई ऐसा इंसान जो उसकी केयर करे, परवाह करे और उसका कंधा बने। तो आपके पार्टनर ना आज सारा दिन इस एनर्जी में रहे, जैसे कि उदास उदास से हैं और हर तरफ से अपने आप को एकदम लाचार पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको एक वक्त पे तो लग रहा था कि वक्त के साथ ना ये हील हो जाएंगे, मतलब वक्त के साथ साथ ये अपने आप में सही हो जाएंगे, या इनका दिल हील हो जाएगा, या ये इस सोच से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज सारा दिन इन्हें ऐसा लगता रहा कि भाई ये नहीं निकल पाए,
और इन्होंने इतना वक्त अपने आप को दे दिया, इन्होंने इतना वेट कर लिया, लेकिन स्टिल ये अभी तक दिल से एकदम टूटे हुए हैं, एकदम हारे हुए हैं और हील नहीं हो पाए हैं। तो कुछ ऐसी कुछ चीज़ें इस पर्सन के दिल में, इनके मन में आज सारा दिन चली हैं। ऐसा भी दिख रहा है, देखिए व्यूअर्स, कि आपके पार्टनर का जो थ्रोट चक्रा है अब वो ब्लॉक हो गया है, यानी कि ये अपनी तरफ से अब अपनी बातें ना कहते भी नहीं हैं, ये अपनी बातें ये सही से समझा भी नहीं पा रहे हैं, जिसे ये आज सारा दिन इवन महसूस भी कर पा रहे थे। एज इन कि अगर ये किसी से कुछ बोलते भी है ना, तो लोग उसका कुछ और मतलब लेते हैं, उसका कुछ और ही सेंस निकलता है। और इन्हें इस चीज़ के लिए भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे में ही कमी है, शायद मेरी ही बात मैं सही से प्रेजेंट नहीं कर पाया या पाई, या कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो उस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को और ज़्यादा एकदम हेल्पलेस कर रही थी, होपलेस कर रही थी। तो इस एनर्जी में आज ये पर्सन सारा दिन तो रही हैं। उसके अलावा देखिए, मुझे कुछ लोगों के केस में ये भी रीज़न दिख रहा है इस पर्सन के इतने ज़्यादा हेल्पलेस होने के पीछे का, कि पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी रफ कम्युनिकेशन रहा है, लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में काफ़ी रूड रहा है, चाहे वो आपकी साइड से हो, इनकी साइड से हो, या दोनों की साइड से हो, जिसके चलते ना आप दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है। और इनके दिल में ये चीज़ें भी आज सारा दिन चली कि उस बात ने आपको भी घायल करा और इन्हें भी घायल करा है, उस बात से शायद ये भी हील नहीं हो पाए हैं या भुला पा रहे हैं और ना आप भुला पा रहे हो। तो उस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन को ना आज सारा दिन जैसे अंदर ही अंदर परेशान करती रही हूँ। देखो क्या होता है ना, कि मुँह से कही हुई बातें ना वापस से लेकर नहीं आई जा सकती। तभी तो कहते हैं ना, बोलने से पहले चार बार सोच लिया करो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो उसका असर आपकी भी ज़िंदगी पे लौट कर आएगा। लेकिन अगर आप बिना सोचे बोलने में अगर लगे पड़े हो ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आना तो असर है। फिर आप ये भी नहीं समझ पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे कि मेरी ज़िंदगी में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि आप ही उसके कसूरवार हैं, आपने ही इतना कुछ गलत बोला है और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला या वाली खुद से आ जाए। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ भी आज सारा दिन रहा है, कि समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया, जिसके वर्ड्स बेसिकली अब ये वापस तो नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आपको हर्ट करा है, तो हर्ट ये भी हो रहे हैं उन सभी चीज़ों से, और अब वापस नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इसीलिए पूरी तरह से हेल्पलेस अपने आप को ही पा रहे थे आज सारा दिन। चलिए और देखते हैं कि आपको लेकर इस पर्सन ने कैसा महसूस करा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन ने कैसा महसूस करा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। सैडनेस एंड आइसोलेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या सोच रही है व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जस्टिस, एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप्स, The Chariot, Six of Swords, Two of Swords, Knight of Wands, and bottom की energy है Emperor. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है ये पर्सन। इन्हें ना एक वक्त पे बहुत ज़्यादा घमंड था इस चीज़ का, कि ये जो भी फैसले लेते हैं, जो भी करते हैं वो सही करते हैं, या इनके जो भी फैसले रहे हैं ना एकदम सही साबित हुए हैं। लेकिन आज सारा दिन इस पर्सन को इस चीज़ का तो एहसास रहा है कि हाँ, गलती इनसे भी हुई है, या ऐसा नहीं है कि सारे फैसले इनके जो भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर वो सही ही साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का खुद का फैसला इन्हें आज सारा दिन जैसे अकेला कर रहा है, उदास कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। तो ऐसा कुछ इनको आज सारा दिन तो लगता रहा, एज एन कि इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें रही कि जो दोगे वो मिलेगा, ये उम्मीद कभी मत करना, जो
दिया है उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा, उससे कम ज़रूर मिल जाएगा लेकिन उससे बेहतर नहीं मिलेगा अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो, बुरा दे रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आज समझ पा रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में आज जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वो मेरे ही एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है, मेरे ऊपर मेरा ही एटीट्यूड इस तरह से मेरे सामने आया है। यानी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक वक्त पे इस पर्सन ने डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दी। इनके लिए जो और लोग थे वो इनके मोहरे ही थे, इनके लिए जो और लोग थे वो बस ऐसे इन्होंने उन्हें इस्तेमाल करा जैसे अपने मतलब के लिए, तो इन्हें यूज़ करा और फिर इन्होंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन आज सारा दिन इन्हें ऐसा फील होता रहा कि भाई इन्होंने तो औरों को मोहरा बनाया लेकिन ये भी तो भगवान के, यूनिवर्स के, उस डिवाइन के मोहरे हैं जिन्होंने अल्टीमेटली इनका जस्टिस, इनका न्याय इन्हें सुना दिया है इस तरह से। तो ये पर्सन ना आज सारा दिन इस चीज़ को लेकर क्लियर तो रहे हैं कि हाँ आज जो भी मेरे मन में बेचैनी चल रही है या आज जो भी मैं हर तरफ से एकदम लाचार हूँ, एकदम हेल्पलेस हूँ, कि सभी के पीछे की वजह वो यूनिवर्स है जिसने अपना न्याय मेरे लिए सुनाया है जो मेरे हक में नहीं है। और ये चीज़ें ही इस पर्सन को ना अब ठहरने के लिए बोल रही थी। एज एन जैसे एक वक्त पे ये पर्सन इतना ज़्यादा भागने में लगे हुए थे, आपसे दूर भाग रहे थे, इस रिश्ते से दूर भाग रहे थे और सभी चीज़ें दिमाग से लेकर चल रहे थे, लेकिन आज सारा दिन इस पर्सन के दिल में, इनके मन में ये चीज़ें चली कि नहीं, इन्हें रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए बजाय भागने के, बजाय मेंटली चीज़ों को देखने के। इन्हें अब किसी और तरह का कंफ्यूजन अपनी ज़िंदगी में नहीं पालना है। अगर अपनी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, ये उदासी को, इन सबको बाहर निकालना है तो इन्हें ज़रूरत है वेट करने की, सब्र करने की, क्योंकि सब्र का फल ही मीठा होता है। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के ऊपर आज सारा दिन डेफिनेटली असर डाल रही थी। जैसे कि ये पर्सन ना उस सोच में रहे कि मुझे जीना है और ये जहाँ पर है वहाँ ये जी नहीं रहे हैं, वहाँ जीना और मरना सब एक बराबर हो रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करते रहे हैं। इनके दिल में, इनके मन में सारा दिन ये तो रहा कि इन्हें अब इस कन्फ्यूज़न से इतनी तो क्लियरिटी हो गई है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत, क्या गलत था और क्या सही, इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी इस पर्सन को हो गई है, जिसको लेकर कभी एक वक्त पे ये आपको भी दिखाते थे कि भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इस रिश्ते में मुझे क्या करना है। और आज उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इस कदर ये पर्सन क्लियर रहे हैं सारा दिन कि अभी वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, आपकी तरफ के एक्शन का, कि कहीं आप मुड़कर तो नहीं आ रहे हो, कहीं आप वहीं पर तो नहीं रुके हुए हो, कि ये आगे चले जाएं और आप पता चला मुड़कर इनके पीछे आओ और ये आपको ना मिले। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के ऊपर डेफिनेटली असर डाल रही थी। प्यार की कमी अब इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत हो गई है। यहाँ पे मुझे लिब्रा, कैंसर, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ये राशियाँ मुझे बहुत क्लियरली भी दिखाई दी हैं। यहाँ पर आपके लिए नंबर 12 यानी कि आपका हो गया दिसंबर मंथ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना मेंटली लेवल पर एक वक्त पे जितना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन की सोच में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आया है, बदलाव आया है। और वही ट्रांसफॉर्म, वही बदलाव इस पर्सन को ये समझा रहा था कि ये कितने अकेले पड़ गए हैं, इन्होंने अपने आप को कितना अकेला कर लिया है या अपने आप को कितना नेगेटिव और टॉक्सिक इन्होंने कर लिया था। ये उस सच को देखना नहीं चाह रहे थे या देख कर अनदेखा कर रहे थे। और सच्चाई ऐसी चीज़ है जो सामने आ ही जाती है, चाहे आप उस सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश कर लो, छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन अगर उसे आना है तो वो आएगी। और इनके सामने ये सच्चाई आ गई अल्टीमेटली,
कि भाई देखो जो दोगे वो मिलेगा, ये उम्मीद कभी भी मत करना कि जो दे रहे हो, जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल कर रहे हो, मोहरे की तरह उन्हें चला रहे हो, तो ये उम्मीद मत करना कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। वक्त सबका आता है, उन सभी चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन आज सारा दिन क्लियर रहे हैं। बदलाव इनकी सोच में आना ज़रूरी था और वो बदलाव इन्हें खुद महसूस हो रहा था। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना बहुत घमंड तो इन्हें रहा है, लेकिन इस जस्टिस ने, इस अकेलेपन ने इस पर्सन को ना एकदम ज़मीन पर लाकर रख दिया है, ठीक है। ऐसा इन्हें खुद फील होता रहा। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, किस सोच में रहे ये पर्सन। इमोशंस हार्ट, सनफ्लावर, फेदर, बटरफ्लाई एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी फ्रेजेस। देखो इमोशनली लेवल पर मैंने आपको बोला ये पर्सन एकदम खाली तो हो चुके हैं। एज एन इनकी जिंदगी में लोग हैं, एज एन इनकी जिंदगी में बहुत कुछ होगा, लेकिन प्यार, सुकून, इमोशंस ये इनकी लाइफ में अब नहीं बचे हैं। और वही चीज़ें इस पर्सन को ना आज ये एहसास दिला रही थी कि कितने गरीब हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एकदम पुअर हैं, एकदम गरीब हैं। दिल के मामले में तो ये बिल्कुल गरीब हैं, इन्हें ऐसा महसूस होता रहा। और वही चीज़ें ना इस पर्सन को आपकी याद दिला रही थी, आपने इन्हें कितना सराखो रखा, आपने इनकी कितनी परवाह करी, कितनी केयर करी, कितना इन्हें दिल से आपने लगाए रखा, वो सभी चीज़ें इस पर्सन को आज सारा दिन परेशान करती रही हैं, सारा दिन याद आती रही हैं। और आपको यकीन मानना होगा कि यही चीज़ें इस पर्सन को ये भी मोटिवेट कर रही थी कि अभी भी वक्त है एक्शंस लेने का, अभी भी वक्त है उससे बात करने की, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी इन्हें यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, अभी भी इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आज सारा दिन ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहे थे अपने इमोशंस को देखकर या अपने घमंड को टूटता हुआ देखकर कि बाजी आपके ही हाथों में है, बाजी आज भी उस प्यार की तरफ ही है, या जीत अभी भी उस प्यार की ही हो रही है जिसकी आप चाह रहे थे। एज एन ये प्यार के साथ नहीं थे, आप प्यार के साथ थे और ये कुछ किसी और के साथ ही थे, जैसे कि अपने घमंड के साथ थे, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुशियों की तरफ थे, लेकिन इन्हें ये समझ में आ रहा था कि बाजी जो भी जीता है ना वो प्यार जीता है, आप जीते हो। जिससे कभी एक वक्त पे इन्होंने गिव अप कर दिया था ना, वही चीज़ें इन्हें आज अपनी तरफ खींच रही हैं, इन्हें ऐसा फील आज सारा दिन होता रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को शायद यहाँ पे फेदर दिखाई दे रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रहे हो, सन फ्लावर्स दिख रहे हो। आप जैसे पूछते हैं ना कि कितनी हमसे ये रिलेट करेगी, तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और ये भी बता रहा है कि अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो बेसिकली आपके पार्टनर की एंट्री वापस से आपकी तरफ हो रही है, इनकी तरफ से आपके पास कोई एक्शन आ सकता है, मैसेज आ सकता है। और इमोशनली लेवल पर ये पर्सन अब कितना अकेला, कितना खाली हो गए हैं, वो सभी चीज़ें ये पर्सन आप तक अपनी साइड से सेंड कर सकते हैं। इवन मुझे यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी लोगों के केस में तो 7 days के चांसेस दिख रहे हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये पर्सन आपके पीछे दौड़े दौड़े भाग कर आएंगे, उस प्यार की तरफ दौड़े दौड़े भाग कर आएंगे। आप भले अब इस रिश्ते में चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन इस पर्सन की तरफ से वापसी आपकी तरफ आने की मुझे दिख रही है, कि जैसे बस ये दौड़कर बस आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं। अब इन्हें कोई परवाह नहीं है कि आप जीत रहे हो या इन ये जीत रहे हैं, प्यार जीत रहा है या अभिमान, इनका घमंड जीत रहा है। अब ये खुद
प्यार के फेवर में है, खुद उस प्यार को जिताना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आज सारा दिन इस पर्सन के दिल में, इनके मन में चली कि अब इन्हें ना गिव अप नहीं करना है इस थॉट से कि भाई प्यार की जीत हुई है, प्यार को ही जिताना है या आपसे बात करनी है, आपकी तरफ ही बढ़ना है। तो ये पर्सन अब उस थॉट से भी गिव अप नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इन्हें पता है कि ये हील ऐसे ही होंगे। अगर अब भी ये यहाँ पे गिव अप करते हैं तो जिस एनर्जी में आज इन्होंने सारा दिन फेस करा है ना, जो इन्हें आज सारा दिन सदियों जैसा लगा है, वो अगेन ये अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनके दिल में, इनके मन में आज सारा दिन रहा। अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है और पता है कि कैसे ये चीज़ें कर पाएंगे आपके साथ से, वो चीज़ें वापस से इनकी ज़िंदगी में लौट आएंगी। तो इन्हें आज सारा दिन ऐसा कुछ लगता रहा। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एक्शंस के यहाँ पर चांसेस मुझे 7 days काफ़ी लोगों के केस में दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे थे, व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। डोंट बी सो इनसिक्योर, एक्चुअली में इनसिक्योर तो ये खुद हो रहे थे आज सारा दिन, लेकिन आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम मत इनसिक्योर हो। जैसे वो होता है ना, ऑल इज़ वेल, अपने आप पे ही हाथ रख कर कहना है कि भाई गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। तो वही कुछ आपसे कहना चाह रहे थे कि भाई इनसिक्योरिटी फील मत करो, ये आप ही के हैं और आप ही की तरफ बढ़ेंगे। I have told my friends about you, ये अब आपके बारे में अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, आपसे ये कहना चाह रहे थे। I could never forget about you, कहना चाह रहे थे कि कभी भी आपको भुला नहीं सके, मतलब इन्होंने कभी भी आपको नहीं भुलाया है, ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एज एन अगर मेरे व्यूअर्स ये चीज़ें मानकर बैठ गए हैं कि सब ओवर हो गया, या आपने अपनी सोच बना ली है कि आप आ जाओ, या आपने ये सोच बना ली है कि अब आप इनकी तरफ कभी भी नहीं बढ़ोगे, तो आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें उम्मीदें बाकी हैं। अगर मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम भी गिव अप मत करो। तो आपसे पर्सन ये कहना चाह रहे थे। I want to talk to you but I am just scared, तो आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो ये आपसे इच्छा रखते हैं या चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन मन में एक दुख दुख है, एक घबराहट है, क्योंकि देखो घमंडी इंसान अपने घमंड को तोड़ रहा है या उसको उस घमंड को नीचे गिराकर आपकी तरफ आना है, तो मन में घबराहट तो रहेगी। आपसे कहना चाह रहे थे यू आर टू गुड फॉर मी, ये जान गए हैं कि आप इनके लिए कितने सही हो, एंड आई कैप्ट द टेक्स्ट, इन्होंने अभी भी आपके मैसेजेस बहुत संभाल कर रख रखे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, तो आपने ना इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा दिया है। आपसे ये पर्सन आज सारा दिन जैसे कहना चाह रहे थे, तभी तो यहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा था कि बाजी आपकी तरफ आ गई है, वो बाजी जो कभी ये एक वक्त पे अपने पलड़े में रखे हुए थे, ये मोहरे की तरह जो आपको चला रहे थे, आज इस प्यार की वजह से ये खुद मोहरा बनाने वाला इंसान अपने कर्मों की वजह से आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ये इन्हें खुद फील हो रहा था कि बाजी आपके पलड़े में आ गई है, प्यार की जीत हो गई है, मेरे कर्म मेरे सामने आ गए हैं, या इस तरह से मुझे ना यहाँ से जैसे ये वॉक अवे करके गए थे, लड़कर गए थे, इस तरह से चीज़ें अब इन्हीं के ऊपर लौट कर आ गई हैं, तो ये खुद इस चीज़ को महसूस भी कर रहे थे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन के रिगार्ड, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, एंजल्स आप क्या कहना चाहती हो इस कनेक्शन को लेकर। पीसफुल रिजोल्यूशंस एंड बॉटम की एनर्जी है कम्युनिकेट क्लियरली एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो बेसिकली ना यहाँ पे एंजल्स भी आपसे ये बोलना चाह रही है कि देखो अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ तो हालांकि दिख ही रहा है
कि ये पर्सन बढ़ रहे हैं, तो अगर ये पर्सन बढ़ते हैं ना, तो आप सिचुएशन को बहुत पीसफुली रिजॉल्व कीजिएगा। वहाँ पर किसी भी तरह का अपना घमंड आड़े मत आने दीजिएगा। अपनी बात को क्लियरली रखिएगा, स्पष्ट कीजिएगा कि भाई मेरे को ये दिक्कत है और ये चीज़ें मुझे अब आगे नहीं चलेंगी, या इस तरह से मैं परेशान रही या रहा और आगे नहीं चलेंगी। तो आपको अपनी बात यहाँ पर क्लियर रखनी होगी, और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन एकदम अनहेल्दी हो गई थी या रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो ऐसा यूनिवर्स आपको, ये एंजल्स आपको गाइड कर रही है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है कि भाई सबक तो सीखना ज़रूरी बन गया था जो इन्होंने सीखा है, और आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।